गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में डीसी जनरेटर अपनों ने जहाँ खत्म किया था उसी से आगे पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ जाके उसको ज्वाइन करें। और आपको किसी भी तरीके की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। तो आज हमने स्टार्ट करने वाले डीसी जनरेटर का पार्ट 3। और तो पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था ब्रश क्या होता है, बेयरिंग क्या होता है, तो ब्रश में एक छोटी सी बात रह गई थी। जैसे ये ब्रश था, इस ब्रश से आप सीधी तार नहीं जोड़ सकते, इसलिए आपके पास यहाँ एक क्या होता है, एक चालक धातु की क्या होती है, एक पूंछ सी लगी होती है जिसको पिगटेल लगा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, पिगटेल बोलते हो, या इसका एक नाम और होता है ब्रश लीड। तो ब्रश लीड काम क्या करती है, ब्रश को क्या करती है, बाहरी सर्किट से जोड़ने का काम करती है। तो ये एक बात थोड़ी सी रह गई थी जो मैंने आपको बताना भूल गया था, तो आज ये बात आप लिख लें। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा देखें, आज अपने बात करने वाले डीसी जनरेटर जो होगा वर्किंग कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, डीसी जनरेटर के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो वीडियो काफी लंबी रहने वाली है क्योंकि कुछ दिनों से डिमांड भी हो रही है कि वीडियो लंबी करें। तो अब अपने बात करेंगे वर्किंग। जिसने भी ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी मशीन जो उसके पार्ट की वर्किंग समझनी है तो सबसे पहले आपको मैग्नेट के बारे में पता होना जरूरी है। मैग्नेट अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं है तो आप लोग जनरेटर की वर्किंग कैसे काम करेगा, कैसे फ्लक्स बनेगा, वो आप लोग नहीं समझ सकते। तो इसलिए आपको डीसी जनरेटर या कोई भी मीटर समझने हैं, उपयंत्र समझने हैं, तो आपको हमेशा चुंबक का जो चैप्टर है वो पूरा एकदम आना जरूरी है, ध्यान रखना। तो अब अपने बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर जो का वर्क कैसे करेगा। तो ये फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इट्स वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे, तो यानी कि फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसके अंदर यह सिद्धांत क्या बोलता है कि दो पोल होंगे या चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आप कोई धारावाही चालक घुमाओगे तो वो धारावाही चालक क्या करता है, फ्लक्स काटेगा और उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया ये दो पोल है इस तरीके से, यहां मैंने यहां लिख दिया, यहां से लिख दिया, यहां बीच में आर्मेचर पड़े। अब ये आर्मेचर जब इनके बीच में घूमेगा तो ये क्या करेगा, इसका फ्लक्स काटेगा, फ्लक्स काटेगा तो इसी के अंदर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ये अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किस प्रकृति का होगा, कैसे होगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पता जरूर होगा आप लोगों को कि ऐसी प्रकृति का बनता है, साइन वेव बनती है अंदर, लेकिन बनेगी कैसे वो थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे ये आपको यहां ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, ये सोच लो कि ये सोच लो कि एबी चालक है, इसका ये बैक साइड होगा, ये कौन सा होगा, ये सीडी चालक होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा सीडी चालक हो गया, ये कौन सा हो गया, एबी चालक हो गया। अब बीच में से पूरा खोखला होगा क्योंकि कुंडली जब आप बनाते हो ना, जैसे ये पूरा क्या आर्मेचर है, ये मान लिया पूरा आर्मेचर है। अब एक कुंडली आप ऐसे लपेटोगे तो दूसरा कुंडली, दूसरा सिरा जो होगा ना 180 डिग्री के अंतराल पर ही होगा ऐसे, फिर ऐसे बहुत सारी कुंडलियां होगी। तो यानी कि यहां अपने जो बात करेंगे केवल एक कुंडली के बारे में बात करेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। और एक कुंडली के अंदर चालक कितने होते हैं, दो होते हैं, एक चालक एबी होगा, दूसरा चालक कौन सा होगा, सीडी होगा। अब ये ग्रीन चालक आपके पास में, इसका मतलब इस समय इसकी जो पोजीशन जो होगी ना, बीच साइड में समझ लो कि पोल है इस तरीके से, ये ऐसे मान लेते, इसको थोड़ा सा मैं तिरछा दिखा देता हूं। ये मान लिया क्या है, ये सीडी चालक और ये कौन सा एबी। अब ये ना ऐसे पड़ा है, ध्यान रखना, ऐसे पोल यहां पे, दूसरा पोल इसके जस्ट बैक साइड में, ऐसा सोच लो आप। अब काम क्या होगा, धीरे धीरे इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो यहां से जो फ्लक्स निकलता है वो सीधा निकलेगा। अब यहां से जैसे फ्लक्स निकलेगा तो ये इसको क्या करेगा, ये जो चालक होगा धीरे धीरे काटना स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे घूमेगा तो, और जब ये पूरा 90 डिग्री घूम जाता है तो एकदम पोल के सामने आएगा, इस समय ये मैक्सिमम फ्लक्स को काटेगा। तो इस समय ध्यान रखना, यानी कि क्या होगा, शुरू के अंदर जो 0 से 90 डिग्री की जो पोजिशन होगी ना वो ये होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब ये पोजीशन आ गई, अब आप इसको धीरे धीरे और घुमाओगे तो ये हिस्सा जो होगा सामने से हटेगा, हटेगा तो इसका मतलब फ्लक्स में कमी आएगी, फ्लक्स में कमी आएगी तो क्या होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमता रहेगा और ये ऐसे हो गया, कितना डिग्री घूम गया, 180 डिग्री। तो यानी कि इस समय क्या होगा, ये पूरा खोखला भाग होगा क्योंकि ये तो एबी चालक हो गया, ये सामने क्या आ गया सीडी, बीच में कोई और चालक होगा, लेकिन अपने इस चालक की बात करें, कुंडली की बात कर रहे हैं। अब बीच में से जो फ्लक्स निकलेगा वो सीधा गुजरेगा, सीधा गुजरने का मतलब क्या, यहाँ कोई दूसरी कुंडली फ्लक्स काटेगी इस समय, ये कुंडली नहीं काटेगी, तो इसका मतलब इस कुंडली के अंदर इस समय क्या होगा, 180 डिग्री पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मान क्या है, शून्य। फिर और घुमाओ इसको आप, इसको जब आप और घुमाएंगे ना ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे तो अब ध्यान रखना ये एबी चालक तो इधर आ जाएगा और सीडी चालक क्या हो जाएगा,
यानी कि इस समय सी डी चालक तो एन पोल के संपर्क में आ जाएगा और ए बी चालक होगा वो किस पोल के संपर्क में आ जाएगा, एस पोल के संपर्क में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बनेगी ऐसे, यानी कि पहले ये कंडीशन थी, फिर इसको 90 डिग्री आ गया, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, यानी कि इसको 180 डिग्री बाद धीरे धीरे घुमाओगे ना तो अभी क्या होगा, ये चालक फ्लक्स धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेगा। अब 90 डिग्री जैसे ये घूमेगा ना, मतलब पूरा 270 डिग्री, तो उस समय क्या होगा, इस एन पोल के संपर्क में ये सी डी चालक आ गया, तो इस चालक के अंदर धारा की दिशा बदल गई, क्योंकि पहले क्या थी ए बी चालक जो था ना, ए बी चालक के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे थी। अब यहां सी डी चालक के अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, जबकि इसके अंदर क्या होगी, नीचे की ओर होगी। तो इस तरीके से होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसको जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा, वापस ही पोजीशन मिलेगी। तो यानी कि इस समय वापस क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे था ना, तो इसको धीरे धीरे घुमाओगे तो क्या होगा, हटेगा यहाँ से, हटेगा तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ से फ्लक्स गुजरना क्या हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स करना क्या हो जाएगा, सुनिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि क्या होगा कि आपका जो एक चक्कर जो होगा वो पूरा होगा। तो यहाँ अंदर जो बन रही है ना, वो कौन सी बन रही है, ऐसी सप्लाई बन रही है, वो भी कौन सी, साइन वेव बन रही है। भी ध्यान रखना कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न होती है, डीसी अल्टरनेटर, सॉरी अल्टरनेटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न होती है वो हमेशा कौन सी होती है, ऐसी वेव होती है, वो भी साइन वेव की, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या बात याद रखनी है कि ऐसी के कितने चक्कर बनते हैं, वो किस बात पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखें, तो यहां थोड़ी सी बातें मैं लिख देता हूं। तो अंदर ध्यान रखना घूमने पर उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या बोलते हो, गतिज प्रेरित ईएमएफ, ठीक। अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या कौन सा होता है, गतिज प्रेरित ईएमएफ, और इसकी जो समीकरण जो होती है वो क्या होती है, वी वी वेल साइन थीटा। वी क्या हो गया, फ्लक्स घनत्व, तो वी वेलोसिटी हो गया, ये वी क्या वेग हो गया, उसका किस गति से घुमा रहे हो, अल चालक की लंबाई होगी ये, और थीटा क्या हो गया, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण हो गया, ठीक है। अगर ये जीरो डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा यानी कि जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या होता है, जीरो डिग्री का एंगल बनेगा, उस समय ईएमएफ क्या होगा, शून्य। और जब ये 90 डिग्री होगा ना, तब क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, वी एल, यानी कि इस समय अधिकतम फ्लक्स घटेगा जब क्या होगा, ये चालक और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्योंकि दो रेखाएं तभी काटेगी जब इनके बीच में से होगा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो कभी भी वो नहीं एक दूसरे को काटती। तो यहाँ किस समय अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो 90 डिग्री पर, किस समय न्यूनतम या शून्य होगा, तो जीरो डिग्री पर। फिर ध्यान रखना जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, गतिज प्रेरित ईएमएफ है, इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग जो होगा ना, उसका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड रूल जो होगा ना, जो आपने मैं जो चुंबक थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल जो है, उस नियम से आप क्या बता सकते हो कि कहां प्लस बनेगा और कहां बनेगा माइनस। फिर ध्यान रखना जैसे ये है कि यहां प्लस है, यहां क्या है, माइनस। अगर आपको यहां माइनस ये ब्रश के ऊपर, यहां प्लस ये, तो यो कैसे प्राप्त होगा, यानी कि ई एम एफ जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा कैसे बदली जा सकती है। तो यहां बता देता हूं ई एम एफ की दिशा, तो ईएमएफ की दिशा बदलने के लिए या तो जनरेटर को विपरीत दिशा में घुमाना होगा, या जो फील्ड कुंडली होगी, आगे बढ़ेंगे अपने, फील्ड कुंडली होगी इसके सिरों को बदल दो। एक तो आर्मेचर होगी, क्या होगा, फील्ड, यानी एक तो क्या होगा, विपरीत दिशा में घुमाकर, विपरीत दिशा में घुमाकर, और दूसरा काम क्या कर सकते हो, जो जनरेटर जो है ना उसको आप काम क्या कर सकते हो, फील्ड के टर्मिनल बदलकर, ठीक है। और अंदर जो उत्पन्न हो रही है ना, वो कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही है, वो कौन सी उत्पन्न होती है, एसी, एसी साइन और वेव। बाकी वेव तो मैंने आपको ऐसी थ्योरी में बता भी दिया था कि जो बाकी जो वेव होती है वो ऑसिलेटर से ही प्राप्त की जा सकती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है। अब आगे देखें, अब जो अंदर उत्पन्न हो रहा है ना, अंदर कौन सी सप्लाई उत्पन्न हो रही है, एसी उत्पन्न हो रही है, वो ऐसे कितने चक्कर बनाएगी, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी किस बात पर डिपेंड करेगी, वो देखें यहां से। अभी अपनों ने जो पोल लिए थे वो कितने लिए थे, दो लिए थे, एक एन था और एक क्या था, एस था। यानी कि आर्मेचर को आपको एक बार घुमाना है, ये आर्मेचर है, इसको आपने कितनी बार घुमाया, एक बार, ये एक बार घुमा रहे हो ना, तो अंदर इसके एससी के कितने चक्कर बनेंगे वो मैं बात बताऊंगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं पोलों की संख्या, और यहां लिख देता हूं उत्पन्न एसी चक्कर, और ये आर्मेचर चक्कर हो गया, ठीक है।
पोलों की संख्या मैंने कितनी ली है, दो। आर्मेचर को आपने कितनी बार घुमाया, एक बार। तो एससी का कितना चक्कर बनाया यहां पे दिख रहा है आपको, एक। अगर पोलों की संख्या चार होती, जैसे ये मशीन है इस तरीके से, ठीक है, तो यहां एन वन है, यहां एस वन है, यहां एन टू है और यहां एस टू है। और ये भी ध्यान रखना पोल जो होंगे हमेशा बदलते हुए क्रम में होंगे, इसी कारण ध्यान रखना इनका फ्लक्स इस तरीके से वितरित होगा, क्योंकि फ्लक्स एन से एस से एस से एन इस तरीके से चलेगा ना, ये तभी चलेगा। ध्यान रखना अगर आपने इस तरीके को इसको ऐसे बना दिया अंदर पोल जो होंगे, अगर आपने पोल जो होंगे अगर ऐसे बना दिया, जैसे एन हो गया, फिर एन हो गया, फिर एस हो गया, फिर यहाँ एस हो गया, तो ये एन से ऐसे ऐसे जाएगा, कुछ प्लस एक्स से गुजरेगा, यहाँ ऐसे गुजरेगा, कुछ फ्लक्स ऐसे गुजरेगा, तो ये इस तरीके से जो होगा वो फ्लक्स का समरूप वितरण नहीं होगा। तो इस कारण आप इस तरीके को नहीं ले सकते, फ्लक्स हमेशा बदलते हुए क्रम में होने चाहिए, यानी कि एकांतर क्रम में प्रत्यावर्ती फ्लक्स होना चाहिए, जो फ्लक्स जो वो पोल जो होंगे वो प्रत्यावर्ती प्रकार के होने चाहिए। अगर अपने पास चार चक्कर होंगे तो वो क्या होगा, आर्मेचर को एक बार घुमाओगे तो एक बार एन वन के संपर्क में आएगा, एक बार एस वन के। और इसी तरीके से ध्यान रखना ये एन वन हो गया, ये एस वन हो गया, ये एन टू हो गया, और ये क्या हो गया, एस टू हो गया, तो ऐसा बनेगा। एसी आर्मेचर को आपने एक बार घुमाया, पोल कितने हैं, चार। एसी के कितने चक्र बनेंगे, दो। तो यानी कि चार पोल होंगे, एसी के कितने चक्र बनेंगे, दो। अगर आर्मेचर कितने होंगे, आर्मेचर का इतना चक्र एक, अगर आर्मेचर के दो चक्र करोगे तो ये दो से गुणा कर देना, क्योंकि फिर ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर उत्पन्न वेव हो रही है ना उसकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। दो बातों पर डिपेंड करेगी, आर्मेचर की स्पीड क्या है, पोलों की संख्या क्या है। तो देखो इसको कैसे तरीके से कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है, तो चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है ना, तो चक्कर क्या होंगे, पोलों की संख्या का क्या होंगे, आधा होंगे ना, तो चक्कर बराबर क्या होंगे, पोलों की संख्या का क्या आधा होगा, यानी कि पी ए पोल में क्या होगा, टू होगा। इसी तरीके से ध्यान रखना आर्मेचर की जो स्पीड होगी, आर्मेचर की गति क्या है, एन आर पी एम है, लेकिन आपको जो स्पीड जो आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा होगा उसमें क्या पढ़ते हो, प्रति सेकंड। तो इसका मतलब इसकी गति को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इसकी गति को क्या कर देंगे, इसको क्या कर देते हैं, पी एन बटा 120, यानी कि इसको क्या कर देंगे, एन बटा क्या कर देंगे, 60। तो यानी कि इसकी गति इस समय क्या होगी, राउंड पर सेकंड के अंदर हो जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दो बातों पर डिपेंड करेगी, P बटा में 2 इंटू एन बटा में क्या जाएगा, 60। इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, पी एन, और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना है, 120। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी का जो आपका फार्मूला बनता है वो पी एन बटा क्या बनता है, 120। अंदर ऐसी बन रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। फिर देखें अब जो ई एम एफ समीकरण आपने पढ़ी भी होगी, डीसी जनरेटर जो होगा उसकी ईएमएफ समीकरण देखो क्या होगी, तो ई बराबर जो होगा वो क्या होगा, फाई जेड एन पी अपॉन में क्या होगा, 60 ए, ठीक है। अगर यहां अगर आपको देखो ये जो गति जो ना वो किस में है, राउंड प्रति मिनट के अंदर है। अगर आप लोगों को काम क्या करना है, सेकंड में बदलना है ना, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ई बराबर आप क्या करते हैं, फाई जेड एन पी, और यहां 60 है, और ये गति किसमें, आरपीएम के अंदर है, क्योंकि इस समय गति जो बड़ा एन दिखा रहे हो ना, इसका मतलब इसकी गति क्या है, आरपीएम के अंदर। अगर इसकी गति को आरपीएस के अंदर दिखाना चाहते हो तो यहां एन का मान कितना है, मिनट के अंदर, तो एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 60, और सेकंड वाले को क्या दिखाओगे, स्मॉल एन से, तो इस समय यह कट जाएगा। तो इस समय जो आपकी ईएमएफ समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी, इसको स्मॉल एन लिख सकते हो और यहां क्या दिखा सकते हो, यानी कि ये ईएमएफ समीकरण कब है, जब मोटर की गति या अल्टरनेटर की गति या आर्मेचर की गति जो है वो जनरेटर की गति वो किस समय है, यहां गति किस में है, गति राउंड पर मिनट में, और यहां जो गति होगी वो क्या होगी, राउंड पर सेकंड के अंदर। तो मिनट के अंदर तो होगा 60 आएगा, जबकि जब सेकंड के अंदर होगा तब 60 नहीं आएगा। पिछला जो मैंने आपको बताया था ना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। तो उसके अंदर ध्यान रखना ये एन बटा अगर 60 आता है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो मोटर की गति दी जाती है ना वो किस में दी जाती है, राउंड प्रति मिनट के अंदर दी जाती है ना, और वहां की आपको क्या दे रखी थी, इसका मान मैंने क्या बताया था, अगर ये आरपीएस के अंदर होगा तो सीधा आएगा, और मिनट के अंदर बदलना है ना इसको, तो
तो सेकंड के अंदर मिनट कितने होंगे, 60 सेकंड के अंदर क्या होगा, एक मिनट होगा। तो एक सेकंड के अंदर कितना आएगा, एक बटा में 60 मिनट। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक बटा में 60 कर सकते हो। और इस समय इसकी गति क्या दी जाएगी आपको, RPM के अंदर। तो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेना। अब देखें, एक तो वाइंडिंग होती है लैप और एक क्या होती है वेव। अगर आपको लैप वाइंडिंग दे करके पूछ लेता है कि उसकी EMF समीकरण क्या होगी, आपको सवाल में देता है कि एक 4 पोल डीसी जनरेटर है उसमें लैप वाउंड है तो उसका EMF समीकरण क्या होगा, उस समय आप लोग यहां नहीं देखेंगे, आप लोग इस समीकरण के अंदर जो इसकी कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि जब जनित्र क्या हो, लैप वाउंड हो, तो इस समय आपको पता होना चाहिए ए बराबर क्या होगा, पी होगा। तो उस समय जो EMF समीकरण जो बनेगी ना, वो क्या बनेगी, ये होगा। ये दोनों मान बराबर होंगे तो कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब यहां जो EMF समीकरण बनने वाली है वो क्या बनेगी, ये बनेगी। क्योंकि ये पी और पोल है, पी पोल हो गया, समांतर पथ हो गया, दोनों बराबर होंगे तो इस समय क्या होगा, समीकरण जो बनेगी वो ये बनेगी। इसके अलावा जब जनित्र क्या हो, वे वाउंड हो, उस समय ध्यान रखना E बराबर क्या बनेगा, फाइव जेड एन, और P का P आएगा, 60 का 60 रखेंगे, और A जो है ना समांतर पथ कितने होंगे, दो होंगे ना। तो इसका मतलब आप लोग यहां इस A की जगह क्या रख देंगे, दो रख देंगे, और जब इस 60 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो एग्जाम के अंदर आपको देखना जरूरी होगा इस समय कि आपको वो लाइन क्या दे रहा है, समांतर क्रम लैप बाउंड दे रहा है, वेव बाउंड दे रहा है, या सीधा ही आपको बोल रहा है उसकी EMF समीकरण क्या होगी। तो सीधा बोलेगा तो ये होगा, या बोल देगा उसकी गति सेकंड में है तो क्या होगा, तो यहाँ 60 नहीं आएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे अपने, वो बाद में करेंगे। अब अपने बात करते हैं डीसी जनरेटर जो होंगे इसके टाइप्स के बारे में। डीसी जनरेटर के जो टाइप्स है इसके मैं एक सारणी बना देता हूँ और फिर अपने बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना डीसी जनरेटर। एक तो क्या होगा, स्थायी चुंबक होगा, और एक कौन सा होगा, विद्युत चुंबक होगा। ठीक है, अब विद्युत चुंबक आगे दो प्रकार के होंगे, एक तो जिनमें जनरेटर में जो वोल्टेज या करंट बन रही है वही चुंबक कुंडलियों को क्या करती है, एक्साइट करती है, वही धारा पोल बनाने का काम करती है। एक जिसके अंदर आप बाहर से अलग से दोगे, तो यानी कि एक तो क्या होगा, पृथक उत्तेजित होगा, और एक कौन सा होगा, स्व उत्तेजित, दो अलग होंगे। अब स्थायी चुंबक, फिर ध्यान रखना स्थायी चुंबक हो गया, फिर विद्युत चुंबक में दो प्रकार के, इसके फिर आगे प्रकार हो रहे। एक तो क्या होगा, सीरीज होगा, और एक क्या होगा, शंट होगा, और एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। फिर कंपाउंड ध्यान रखना के दो प्रकार के होंगे, एक तो क्या होगा, लॉन्ग शंट होगा, या इसको अपने बोल सकते हैं डिफरेंशियल, और एक क्या होगा, क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है, विभेदीय कहा जाता है, और क्यूमुलेटिव जो होगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, संचयी। अब डिफरेंशियल आगे फिर दो प्रकार के होंगे, एक होगा लॉन्ग शंट, और एक क्या होगा, शॉर्ट शंट। तो इस वीडियो के अंदर अपने सारा कवर करने वाले हैं। तो यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार पड़ने वाले हैं, और डीसी जनरेटर का जो प्रकार होगा यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब अपने बात करते हैं स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर के बारे में। तो आप लोगों ने डायनमो देखा होगा, डायनमो के अंदर क्या होता है कि स्थायी चुंबक होगा और बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। अभी आपने EMF समीकरण पढ़ी थी, E बराबर फाइव जेड एन पी ए, पुन में क्या था, 60 था, और ठीक है, तो स्थायी चुंबक होगी ना, तो उस समय क्या होगा कि आप लोग एक चीज तो कर ही नहीं सकते कि क्या चेंज नहीं कर सकते, आप उसका फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट होगा, उसका आप कभी भी फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि देखो, चालकों की संख्या होता है जेड गामा, तो ये तो मशीन के डिजाइन की जाती है उस समय फिक्स हो जाती है। पोलों की संख्या भी फिक्स हो जाएगी और समांतर पथों की संख्या भी फिक्स हो जाएगी, और 60 वैसे ही क्या फिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड पी और 60 ये क्या एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है,
तो स्थिर वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, तो इसका मतलब इसका मान तो अपने बाद में चेंज नहीं कर सकते, पहले पहले चेंज करना तो कर दिया, लेकिन जब जनरेटर काम में ले रहे हो तो उस समय क्या क्या चीज चेंज कर सकते हो, उसका फ्लक्स चेंज कर सकते हो और क्या चेंज कर सकते हो, गति। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो जनरेटर की जो दो बातों पर डिपेंड करेगा ईएमएफ, वो इन दो बातों पर निर्भर करेगा जो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहां इनमें भी डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहां क्या होगा कि इस फ्लक्स को चेंज कर नहीं सकते, तो आप लोगों के पास एक ही चीज बचती है, वो क्या बचती है, स्पीड। तो यानी कि इसमें जो ईएमएफ होगा ना, वो केवल क्या कर सकते हो, ईएमएफ केवल गति द्वारा परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। फिर ध्यान रखना ये जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये ज्यादा बड़ी चुंबक लेनी पड़ेगी, ये इनको ज्यादा स्पीड पर घुमाना पड़ेगा, तो बड़ी चुंबक लोगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हमेशा छोटे आकार में होंगे जो स्थायी चुंबक वाले होंगे, ठीक है। फिर एक चीज और जानना, स्थायी चुंबक जो होगा उसमें गुण होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या टाइम टू टाइम होगा, उसमें धीरे धीरे उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इसके चुंबकीय क्षेत्र में चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होगा और साथ में क्या होगा, समय के साथ में क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और डायनेमो वगैरह होता है वहां इसका इस्तेमाल तुम लोग करते हो। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत चुंबक के बारे में, जिसमें आप लोग काम किया करते हो, जो बिजली जो होती है, करंट जो होती है, वहां से आप लोग काम किया करते हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करते हो। अब अपने पढ़ेंगे विद्युत चुंबक, डीसी जनरेटर। तो विद्युत चुंबक डीसी जनरेटर में सबसे पहला जो अपना पार्ट आता है वो आता है सेपरेटली एक्साइटेड या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, पृथक उत्तेजित, ठीक है, डीसी जनरेटर लिख सकते हो आगे। अब पृथक उत्तेजित का मतलब क्या होगा कि आप लोग जो कुंडली है ना उसको आप अलग से सप्लाई दे रहे हो, देखो कैसे, जैसे ये आर्मेचर हो गया और यहां क्या होगी, वोल्टेज होगी, वोल्टेज अपने को मिलेगी या लोड लगा दो यहां पे सीधा, ठीक है। और ये ब्रश होते हैं, ध्यान रखना, ये जो आप लोग दिखाते हो ये ब्रश होता है, ये पूरा आर्मेचर होता है। अब कुंडली जो होगी ना, फील्ड, इसके टर्मिनलों का आप F1 F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके A1 A2 से, और यहां एक क्या करेंगे, रियोस्टेट लगा देंगे और यहां इसको डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। तो इसके अंदर काम क्या करते हो, आप कुंडली जो होती है ना वो अलग से जुड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेटर में वोल्टेज बनाने के लिए आपको अपसरित चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बाकी जनरेटरों में पड़ेगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसके अंदर आर्मेचर के सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के न तो सीरीज में होगी ना समांतर में होगी, पृथक उत्तेजित होगा, अलग से जुड़ी होती है या सप्लाई स्रोत से जुड़ी होती है, तो यहां कौन सा आएगा, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। इसकी खास बात क्या है कि आप लोग यहां इस प्रतिरोध की सहायता से धारा का मान चेंज करोगे, फ्लक्स का मान चेंज होगा, तो जनरेटर की वोल्टेज कम ज्यादा दोनों कर सकते हो आप लोग। दूसरा फायदा क्या होगा कि जनरेटर में अपसरित चुंबकत्व नहीं है ना, फिर भी क्या होगा, यह वोल्टेज देगा आपको, क्योंकि अपसरित चुंबकत्व चाहिए नहीं इसको, क्योंकि आप इस कुंडली को अलग से सप्लाई दे रहे हो ना, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरा फायदा इसका, आप चुंबकीय क्षेत्र चेंज आसानी से कर सकते हो। तो इसके अंदर पहली बात तो ध्यान रखना, जो मेन जो बात है वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखना, अपसरित चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा जनरेटर है जो बिना अपसरित चुंबकत्व के क्या है, वोल्टता का निर्माण करता है, ठीक है। या आपसे बोल देगा पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, जो जनरेटर है ना उसके अंदर क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के किस प्रकार से जुड़ी होती है, न तो सीरीज में होगी न समांतर में होगी। अब अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में।